करना चाहिए। छोड़ो मेरा बट अमीश, आज ऊंची नीवी चीजें हो गई हैं। सर है ना पूरी दुनिया में, हमारे पूरे घर में, हमारे सर पे भी पोटी कर दे। Life is too little. Get lost from your house. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक। अक्सर करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी सब्सक्राइब के साथ करते हैं हमारे व्लॉग को स्टार्ट। बज के 5 मिनट हो रहे हैं, ऐसे दिनों के मैं रात को सोती नहीं हूँ गुलियां करने के बावजूद भी आपकी बहन ख्याल कुछ ऐसी। गाइस सिर्फ इसको अवॉइड करके, अरे ये देखो कितना प्यारा मौसम हो रहा है ना। आज आपकी बहन ना हंस के उठी है, वैसे हंस के उठती नहीं है, मुंह मिसना बना के उठती, लेकिन आज हंस के उठी हूँ। बोलो ना लेके जाओगे, बोलो जा रहे हो। इतनी खुशी, इतने प्यारे मौसम में किसको खुशी नहीं होगी। देख रहे हो हसीन मौसम, ना सूरज, ना सूरज का नामो निशान। मैं झटपट से तैयार होकर आप लोगों के सामने आता हूँ। बैग उठा लिए है और मैंने अपनी फेवरेट चप्पल भी पहनी। सुबह के टाइम इन बाइकों में से हमारी ये एक बाइक निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम अपने दरवाजे को बंद, दरवाजा खुला होता कि अंकल को हवा लगे। यहाँ का मौसम देखें कितना अच्छा हो रहा है ना। सुबह सुबह बाहर घूमने का मजा ही कुछ और है। मैं कहीं पर भी नहीं गई तो आज घूमना यहाँ इतना अच्छा लग रहा है। यहाँ कितना प्यारा मौसम है, ये इतने सारे हैं और एक चिड़िया कबूतर गया है, वो भी इनको दाने डाल रहा है और यहाँ पर इनको दाना डाल रहा है। जितने क्यूट लगते हैं छोटे छोटे, सुबह 7 बजे के टाइम भी ये लोग यहीं पर होते हैं, ये सिर्फ शाम के टाइम होते हैं लेकिन ये इस टाइम भी यहीं पर ही होते हैं। और आज मैं आई थी कबूतरों को दाना डालने के लिए। पता है इनको जब हम दाना डालते हैं मुझे इतना सुकून मिलता है, इतना मिलता है, ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरे अंदर की जो चीज़ें नेगेटिव चीज़ें हैं वो सब बाहर निकल रही हैं, वो जा रही हैं, मेरे मुझसे दूर जा रही है। काफ़ी टाइम से मैंने यहाँ पर चक्कर भी नहीं लगाया था और आज ये जगह देख के ना मुझे मदीना की जगह याद आ रही है, जब मैंने मदीना में जाके पिजिन्स को दाना डाला था। अल्लाह ताला मुझे फिर से बुलाएं, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पर से कुछ लोग पूछ रहे थे कि आप कौन सी टैबलेट्स खा रहे हो, उसमें से कुछ जो है PCOS की हैं और बाकी जो किसी और चीज़ की है वो मैं आप लोग को नहीं बताऊँगा। मुझे एक चीज बहुत बुरी लग रही है, वो मम्मी के लिए, मम्मी के साथ बहुत गलत हुआ है। मम्मी यहाँ पर आएंगे ना, मम्मी को कहीं पर भी नहीं जाने दूंगी। मम्मी को मैं मतलब हर्ट नहीं देखना चाहती, उनको कोई कुछ बोलता है ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं भी उनसे लड़ती हूँ, इसी चीज पे लड़ती हूँ, क्योंकि मुझसे बर्दाश्त, जाहिर सी बात है आपकी माँ पे कुछ होता तो नहीं बर्दाश्त। मैं कंट्रोल करूँगी मम्मी को इन सब चीज़ों का, मैं बोलूँगी आप मतलब ऐसी कोई बात नहीं करो। जब हमारे पेरेंट्स इस एज में आते हैं ना तो मतलब मुझे, ये अकेला मुझे ही नहीं फील होता, काफ़ी लोगों को भी ऐसा फील होता है कि वो हमें बच्चों की तरह लगने लग जाते। सेम मुझे भी ऐसा लगता है और मुझे चाहिए कि मैं उसको, अम्मी को हर किसी से प्रोटेक्ट करूँ बस। बैठे 25 मिनट हो, और उस टाइम जब हम लोग घर है लाइट नहीं आई थी 2 घंटे तक, मतलब 9 बजे तक लाइट नहीं रही आई थी। फिर हम लोग सोए सुबह के 9 बजे और अभी जो है मैं 1:30 बजे मैं उठ गई थी, तैयार हुई हूँ और अभी बस में जा रही हूँ जनब के पास। सर है ना पूरी दुनिया में, हमारे पूरे घर में, हमारे सर पे भी पोटी कर दे। हम लोग नेरेट पे आ चुके हैं, शाहरुख खोल रहा है इन सब के ताले, अल्लाह करे खुल जाए। तो खुल गया, एक खुल गया, दूसरा भी खुल गया, 4 बाकी है, सॉरी 3, और तीसरा भी खुल गया, चौथा भी सक्सेसफुली खुल गया, और ये वाला ताला बहुत मुश्किल है, जन्म ने बताया था और चोर ताला, उसको ओ दोनों साइड से खींचना पड़ेगा। सक्सेसफुली खुल गया, बस उसको अंदर करना है। और अभी मैं सैलून में आ चुकी हूँ, यहाँ की लाइट नहीं, हल्का आएगी तो वो ऑन करे, क्योंकि मुझे इसका लाइट का ऑप्शन करने का कैसे ऑन होता है पता है, तो खैर तब तक वेट करते हैं और शाहरुख मोबाइल लेकर गया, वहाँ से वाई फाई चला लूँगी। गर्मी हो रही है और लाइट मुझे पता नहीं कैसे ऑन करते, मैं खुद कोई एक्सपेरिमेंट करने जा रही हूँ, अल्लाह करे बच जाऊँ मुर्गा कर। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सब कुछ बिल्कुल ठीक किया, कुछ भी मैंने गलत नहीं किया। एक्स्ट्रा लाइट्स उनको मैं बंद कर देती हूँ और मैं यहाँ पर आई हुई, लाइट मैंने ऑन करी जिसके बाद मैं थोड़ी देर सो गई, फिर जैनब की कॉल आई, फिर शाहरुख की कॉल आई, अभी क्लाइंट आ गया। मेरी नींद जो है ना वो अजीब हो रही, गड़बड़ गड़बड़। ये बनाया जैनब ने नमकीन दलिया और जैनब भी आ गई है, बहुत मज़े कर, थोड़ा सा स्पाइसी लेकिन बहुत मज़े कर रहा है। आज ऊंची नीवी चीजें हो गई हैं, इतनी देर के बाद है तो मैं शर्म नहीं है, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ। क्या ये बंद हो गया था? बंद तो मैं नहीं पता। लोग वापस घर आ चुके हैं, रास्ते से लिया था एक ये सिल्की कूल का कंडीशनर,
सॉरी हेयर मास्क, क्योंकि काशिश का मास्क जो था वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए मैंने ये वाली, ये बहुत अच्छा है, ये 1900 रुपये का है। आज छोड़ो मेरा बदतमीज। फिर घर आई हूँ, घर की इतनी गंदी हालत हो रही है, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। मैं सो रही हूँ, मैं उठ के आप लोगों से फिर बात करती हूँ। और अभी मैं उठ चुकी हूँ, मैं तकरीबन 1 घंटा, सॉरी 2 घंटे 20 मिनट सोई हूँ, ताकि मेरी 6 घंटे की नींद पूरी हुई है। अब उठ के मुझे घर की सफाई करनी है, जल्द से जल्दी से करते हैं हमारे घर की सफाई को स्टार्ट। और यहाँ पे मैं करने लगी थी घर की सफाई। आज कितने दिनों बाद जाके मेरी तबीयत इतनी, आज पहला दिन था मेरी जिंदगी का जब मैंने बहुत ज्यादा फ्रेश फील कर रही हूँ आज के दिन। नहीं, आज ऐसा क्या हुआ है, वो आज शायद इसलिए हुआ है क्योंकि आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी और रात को मैं नहीं सोई। मुझे किसी ने कहा था कमेंट करके कि ना, जब आपको नींद नहीं ना आती रात में, तो आप सुबह जब उठते तो जाग रहे हो ना, तो फिर सोया मत करो, फिर रात को ही जाके सोया। और आज ऐसा ही किया मैंने, मतलब आज मैंने 8 से 12 बजे तक ना अपनी नींद पूरी की। तो ये टाइम बहुत मतलब प्रेशियस होता है। मैं बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ, दुआ कर रही हूँ कि मैं आगे भी इस तरीके से रिकवर कर पाऊँ और मैं ऐसे ही फ्रेश रहूँ, क्योंकि आज का दिन मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ। उसके अलावा मम्मी आ रही है, मम्मी आएंगी दिलबर के साथ और अब्बू शायद नहीं आएंगे। मम्मी आ रही है तो अब्बू नहीं आएंगे, तो कब से बरसों से चलता आ रहेगा। और सनम्मा जी के लिए आप लोग बहुत सारी दुआ कीजिएगा। मेरी उनसे कॉल पे बात हुई तो वो बहुत ज्यादा रो रही थी, और वो क्यों रो रही थी वो अपने व्लॉग में जरूर बता देंगी। आप लोग उनके लिए दुआ कीजिएगा। ये कोई लड़ाई वड़ाई की वजह से नहीं, बस उनको फिजिकली उनको कुछ हुआ जिसकी वजह से वो बहुत रो रही थी। आप सब लोग उनके लिए बहुत 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 सारी दुआ कीजिएगा। घर की सफाई मैंने कर ली है, ये देखिए अभी घर कुछ इस तरीके से लग रहा है। काफी चल के दिखा देती हूँ, देखिए मैंने पोछा लगाया ना, ये बिल्कुल साफ हो गया। अच्छा, ये गंदा होता नहीं है, इसकी वजह ये क्योंकि मिट्टू होता है और मैं उसको कैद नहीं करना चाहती, इसलिए उसको खुला रखती हूँ, तो घर बहुत गंदा रहता है। देखिए नेट सक एनीथिंग फॉर माई मिट्टू। हमारे घर में जो है लाइट चली गई है, इसलिए मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। खौफनाक लग रहा है ना, मेरा घर का सामने बिल्कुल अंधेरा है ना, इसलिए फरिया करने आए। फरिया बस आएगी तो हम लोग भी साथ जाएंगे, बाहर जाएंगे थोड़ी देर के लिए। तो लाइट ने तमाशा लगाया हुआ है, तो अभी इसी घर में लाइट नहीं है, मेरे घर में लाइट, हमारे घर लाइट में तो बहुत गर्मी होती है, तो इसलिए हमारे घर भी लाइट नहीं, हमारे घर भी लाइट नहीं। आज आज फरिया मेरे लिए लाइए गिफ्ट, दिखाओ। कल से ना, कल से मुझे रो रही है और आज जाके मुझे देने लगी, दिखाओ लिपस्टिक। बोल तुम मुझे दे रही हो लिपस्टिक, ये तुम्हारे लिए ही मंगवाई, मैं देख रही थी तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा। मुझे पसंद है ये वाला लिपस्टिक, सा कलर इतना प्यारा है गाइस। हाँ, ये ऑर्डर किया था, तंग कर रही थी, मैंने कहा देखो मुझे बार बार कहती है नहीं, फिर तुमने छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया इसको, कुछ बोलेगी ना तब मैं इसको दूंगी। तंग करके सरप्राइज देने में मजा बहुत आता है। ये मलाक है, बस तुम पे बहुत क्यूट लगी लिप ग्लॉस। एक शाहरुख पूछ रहा कैसी लग रही है, सोनी तू भी लगा ले फिर। तो गाइस ये बस कलर देखो, सच में बहुत क्यूट है। लाइक अगर मैंने फेस पे भी कुछ भी नहीं लगाया हुआ, सिर्फ इसको लगाया, तो ये बहुत नेचुरल और बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा है। मैं एक बात करना चाहती हूँ कि लाइट चली गई 2 घंटे बाद है कि हम सही टाइम पे नहीं है। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मैं मोटिवेट आप लोगों को करना चाहती हूँ, वो बात ये है, लाइफ इज टू लिटिल, गेट आउट फ्रॉम हाउस। बात को फिर से दोहराना चाहूंगी, लाइफ इज टू लिटिल, गेट लॉस्ट फ्रॉम योर हाउस। लोग आए हैं जमाल राजा पान शॉप पर, पान लेना था बाबर के लिए और सुमैरा के लिए और अपने लिए भी। पान होते मुझे बहुत पसंद है, ठंडे ठंडे होते हैं तो मुझे बहुत मजे के लगते हैं। हम लोग यहाँ से खा के, मैं थोड़ा खाऊंगी, पूरा उसने खा जाएगा। आई हूँ बाबा के घर मीर से मिलने के लिए, मुझे मीर की इतनी याद आ रही थी, बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। क्या आ गया? ओ जी जी पोपो, अम्माने नाम को अभी अभी जान गए मीर को। हाँ। अभी रुको, अभी मैं इसकी क्लास लेती हूँ। लिपस्टिक लगाई है ना, उतरने का नाम ही नहीं ले रही, पता नहीं इसको क्या तकलीफ है। लड़के को आप जितना देख रहे हैं ये इतना चले बिल्कुल नहीं है गाइस। 1 2 3 अभी नहीं हंस रही है, पहले बहुत खेल रहे हैं। बाय बाय कर दो, बाय 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 करो, बाय बाय करो।
मिल लिया है, मिलके उससे बहुत अच्छा लगा। ऐसा तरह के माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है उससे मिलके, वो इतना हंसाता है मुझे छुटका सा। मुझे दुआ की बहुत याद आती है, लेकिन दुआ पता नहीं कब आएगी पाकिस्तान के। मेरा बच्चा मुझे कैसे देख रहा है, वाह वाह ऐसा क्यूट सा। चलो चलो कब चले, एक निकालना मुश्किल है ना, वैसे लगाना भी बहुत मुश्किल है हमारे यहाँ पे। बस स्नैप खड़ी कर दी है, अब चलते हैं ऊपर। पल पल हर पल हर पल का पल हर पल हर पल मिले जो गुजर दुनिया से कौन हर कदम क्या सारी उम्र उनके साथ तेरे कहीं बिन कुछ सुने हाथों में फाइनली हाथ में हाथ लिए हम सीढ़ियाँ क्रॉस कर चुके हैं। अजमल ट्रेटर की स्पीड में वॉक करता है। टू एन मीठी घर कितना प्यारा लग रहा है ना मेरा, माशाल्लाह से प्यास लग रही है ना, बता नहीं सकते हैं, बस बहुत बड़ी कहने पानी की। साथ साथ मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैं मिलूं कल आप लोग नए और मजेदार से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।